कौन सी सीटें कौन कौन सी महागठबंधन के जो अलायंस पार्टनर है किनके पास जाएंगे। हम लोग इतना कहना चाहते हैं कि महागठबंधन अटूट है, और हमने पहले भी कहा ये जो महागठबंधन हुई है ये समझिए कि जनता के दिलों का गठबंधन, और हमने पहले भी कहा है कि जो आने वाली जो चुनौती है जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की है, संवैधानिक संस्थानिक को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, अन्याय और न्याय की लड़ाई, सच और झूठ की लड़ाई है। आप देखिएगा कि तरह तरह के लोग न्यूज में रूमर फैलाने का काम किया गया है कि महागठबंधन बिखर जाएगा, इतनी देरी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि दो चरण के जो उम्मीदवार हैं उसका घोषणा हम लोगों ने पहले कर दिया है, उम्मीदवार भी और कौन कौन से सीटें गई। आज जो प्रेस वार्ता जो हम लोगों ने बुलाने का काम किया है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके सन ऑफ मल्ला वीआईपी पार्टी के प्रेसिडेंट मुकेश सहनी जी, नरेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, रामचंद्र पूर्वे जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल आलोक कुमार मेहता जी, और रालोसपा से सत्यानंद प्रसाद जी जो है जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, दानिश रिजवान जी। आज जो बाकी के जो पांच चरण की सीटें जो हैं कहां कहां गई है, किस दल में गई है, उसकी घोषणा आज हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवारों का भी नाम आज घोषणा करेगा, और वीआईपी पार्टी के भी करेंगे, और मांझी जी की जो पार्टी है हम पार्टी उनके भी करेंगे। रालोसपा और कांग्रेस, क्योंकि आज उपेंद्र कुशवाहा जी को आना था लेकिन आज कोर्ट का मामला था, दिन था, इस वजह से वो आ नहीं पाए, और कांग्रेस में पता है आप लोग सब लोग जो उनके नेता हैं वो दिल्ली में है,